आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। फिर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं सिवनी और नागपुर के बीच में। दरअसल हम मोहगांव के पास खड़े हुए हैं। यहाँ से जो ट्रक हमारे पीछे आ रहे हैं, वे सारे ट्रक्स नागपुर से सिवनी की ओर जा रहे हैं, सिवनी से जबलपुर या आगे जाएंगे। और उस तरफ जो आपको दूसरी सड़क दिखाई दे रही है, उस सड़क पर हमारे पैरेलल सड़क दिखाई दे रही है। इस तरफ जो ये वाली सड़क है, ये सड़क यहाँ से सिवनी से नागपुर जाती है। जो ट्रक्स आपको हमारे पीछे आते हुए दिख रहे होंगे, ये नागपुर से आकर ये सिवनी की ओर जा रहे हैं। दरअसल आज 15 सितंबर को जानकारी मिली कि वो सड़क जो है, उस सड़क पर मोहगांव के आगे बायसन रिट्रीट और बायसन रिट्रीट के पास में, थोड़ा सा अगर आप आगे बायसन रिट्रीट के पढ़ते हैं तो एक विहंगम दृश्य आपको याद होगा, जहां पर अब एलिवेटेड हाईवे बन गया है। उस वहां पर ट्रक चालकों का ये कहना था कि एक सड़क में स्लो लेन इस तरफ वाली होती है, फास्ट लेन उस तरफ वाली होती है। जहां आप ओवरटेक करते हैं, वो फास्ट लेन से आप ओवरटेक करते हैं, फास्ट लेन में आप चलते हैं। और दरअसल जो ये वाली, जो अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ये जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये हमारी स्लो लेन है और उस तरफ वाली फास्ट लेन है। जो लगी हुई वो फास्ट लेन कहलाती है, जैसे NHAI के सूत्रों का कहना है। और उन्हीं के द्वारा बताया गया कि स्लो लेन और फास्ट लेन के बीच में काफ़ी लंबा एक दरार आ चुकी है, बहुत लंबी दरार। हमने बहुत कोशिश की कि हम मौके पर पहुँच पाए, पर जब हम सिवनी से नागपुर की तरफ गए, मोहगांव से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर रूखड़ का जो ये बायसन रिट्रीट, रूखड़ की बायसन रिट्रीट के थोड़ा सा आगे हम बढ़े, पर वहाँ पर बहुत लंबा जाम लगा हुआ था। लोगों से हमने बात करी, लोगों का कहना था कि ये पूरा जाम जो लगा हुआ है, ये जाम लगभग 3-3.5 किलोमीटर का है। विधायक परघाट अर्जुन सिंह काकोड़िया भी उसमें फंसे हुए वहाँ नजर आए। जब हमारी टीम वहाँ से वापस लौटी और हमने अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ उस लेन से आकर इस लेन इस उस सड़क से आकर इस सड़क पे जाने का प्रयास किया, हमने भी जाने की कोशिश करी। हमने सोचा कि हम जाकर वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराएं, पर मोटरसाइकिल चालक कुछ आ रहे थे, पूरा जाम लगा हुआ था। उनसे जब हमने पूछा तो उनका कहना था कि लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा जाम है, वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं, इक्का दुक्का वाहन वहाँ से आने जा सकते हैं। इसके अलावा हम आपको ये और बता दें कि अभी कोविड काल में ही 1,000 करोड़ रुपए की सड़क मोहगांव से खवासा के बीच, 1,000 करोड़ रुपए की, लगभग 22 किलोमीटर की सड़क 1,000 करोड़ रुपए में बनी है। पूरी सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। अगर आप यहाँ एक फोर लेन पर अगर आप सिवनी से नागपुर तक जाते हैं, तो मध्य प्रदेश के हिस्से में गड्ढे ही गड्ढे गड्ढे हैं। इसका संधारण सद्भाव कंपनी को करना है। सद्भाव कंपनी किस तरह से संधारण कर रही है, ये कहना बहुत आसान इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार अगर आप शिकायत करते हैं, अगर आप 1033 पर इसकी शिकायत करते हैं, तो 1033 समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा शिकायत की गई, पर उस शिकायत को सिर्फ ये कहकर बंद कर दिया गया कि संबंधित अधिकारियों को बताया गया और संबंधित अधिकारियों के द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। आपकी गाड़ी टूटती है, फूटती है, इस बात से NHAI को बहुत ज़्यादा सरोकार नज़र नहीं आता। हमारे पीछे यहाँ देखिए, धीरे धीरे वहाँ से वाहन छोड़े जा रहे हैं। कब तक वो सड़क आरम्भ हो पाएगी, या फिर ये जो जीवन रेखा, उत्तर दक्षिण की जीवन रेखा कहलाती है, नेशनल हाईवे 44 जो पहले NH7 हुआ करता था, जिसे सिवनी से हटाने का, सिवनी से अलग करने का बहुत प्रयास किया गया, पर कोई भी उस प्रयास में सफल नहीं हो पाए। देखिए यहाँ पर जिस गति से यहाँ वाहन नागपुर की तरफ जाते हुए, जो सिवनी से नागपुर की तरफ गए होंगे और वापस जब वहाँ पर जाम देखा होगा, तो बहुत सारे यहाँ से वापस आकर, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है यहाँ पर, बारिश के साथ में बहुत तेज़ हवा चल रही है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बारिश लगातार 14 सितंबर की रात 11 बजे से जारी है और आज 15 सितंबर शाम का समय है और बारिश लगातार जारी है, नदी नाले उफान पर हैं। इस तरह की बारिश में उम्मीद नहीं थी कि सड़क दो भागों में विभक्त हो जाएगी। यद्यपि इस बारे में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया किसी तरह का दावा इसलिए नहीं करती है क्योंकि हमने अपनी आंखों से उसे नहीं देखा, सिर्फ सुनी सुनाई बातें, और कुछ वीडियोस हमारे पास आए हैं, उन वीडियोस को भी हम खबरों में आपको दिखाएंगे जिसमें वो दरार स्पष्ट तौर पर दिख रही है। बहरहाल जो भी यहाँ पर हम आपको मोहगांव के पास दिखा रहे हैं, आप इतनी देर से आप देख रहे होंगे 4-5 वाहन ही यहाँ से निकल पाए, जबकि वाहनों के निकलने की रफ्तार
एक मिनट में कम से कम तीन वाहन यहाँ से निकला करते हैं, पर अभी लगभग 5-7 मिनट में 4 से 5 वाहन ही निकल पाए हैं, और हमारे पीछे इक्का दुक्का वाहन और आ रहे हैं। उनमें से अधिकांश वाहन वे हैं जो सिवनी से नागपुर जा रहे थे, जाम देख कर वापस लौट रहे हैं। कुछ लोगों से हमने बात करी, उनका कहना यह था कि वे वापस लौट कर छिंदवाड़ा होकर छिंदवाड़ा सौंसर के रास्ते नागपुर की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पर सड़क कब चालू हो पाए। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन बालाघाट के सांसद हैं, ये उनका संसदीय क्षेत्र है, और जब इसका उद्घाटन हुआ सिवनी के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण बात इसको माना जा सकता है कि यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए का एलिवेटेड हाईवे, विश्व का पहला ऐसा साउंड प्रूफ एलिवेटेड हाईवे यहाँ पर बना है। और उस हाईवे के बनने के बाद भी यहाँ सिवनी के नेताओं को, सिवनी के मीडिया को उसकी खबर तक नहीं दी गई कि यहाँ पर उद्घाटन खवासा में कब होने हो चुका है। देखिए इक्का दुक्का वाहन वहाँ से चले आ रहे हैं, जाम लगा हुआ है, हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, बारिश लगातार जारी है, लगभग 18-20 घंटे हो गए हैं बारिश के, और जाम अभी भी खुला नहीं है। खुल कब पाएगा इस बारे में भी कोई कहा नहीं जा सकता, ना ही प्रशासन की ओर से सिवनी से नागपुर जाते समय कहीं बैरिकेटिंग की गई, कहीं सूचना दी गई है, ना ही नागपुर से सिवनी आते समय कहीं सूचना लगाई गई है कि आगे जाम लगा हुआ है या रास्ता बंद है। ट्रक चालक बस चालक परेशान हो रहे हैं, जा कर के वे वापस लौट रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर इक्का दुक्का वाहन ही लौटते दिख रहे हैं। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लाइव हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। आगे हम इसलिए वहाँ पर हमने दिखाने के प्रयास किया, किंतु वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमारे हमारी गाड़ी भी उसमें फंसी, और इसलिए हम थोड़ा सा वहाँ से सिवनी की तरफ आकर आपको दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 579वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। 7:00 इसका प्रसारण होता है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में, के समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का अगला एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।